गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सबको इस नए सेशन और इस नई क्लास में प्रवेश के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय सारा संसार एक बहुत ही भयंकर महामारी यानी कि कोरोना वायरस के कारण गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने आप सभी को घर पर बैठे हुए ही डिजिटल लर्निंग के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाने जा रहा है। हमारी भगवान से भी यही प्रार्थना रहेगी कि जल्द से जल्द डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस बीमारी के ऊपर नियंत्रण कर लें। तब तक आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इसके साथ ही आज हम अपने सिलेबस की इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस में टोटल 4 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरी सभी यूनिट्स की रिकॉर्डिंग जो है आप सबको यूट्यूब पर भी मिलती रहेगी और मैं आपको ये सारी की सारी वीडियोस जो है वो सारी व्हाट्सएप पे भी सेंड करता रहूँगा। तो इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी सिलेबस में टोटल 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट डिजिटल लिटरेसी है, एडवांस्ड। सेकंड यूनिट नेटवर्क एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स है। थर्ड यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो कि आप लोगों ने 9th में भी स्टडी किया है। फोर्थ यूनिट डिजिटल डेटा टेबुलेशन है यानी कि स्प्रेडशीट, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक यूनिट की इंट्रोडक्शन को समझते हैं, हर एक यूनिट में देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहली जो यूनिट है, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है डिजिटल लिटरेसी एडवांस्ड। डिजिटल लिटरेसी में आप प्रोजेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टर्स किस तरह से काम करते हैं। डिजिटल स्क्रीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे LEDs हैं, LCDs हैं और प्लाज्मा डिस्प्ले हैं, कि वर्किंग किस तरह से होती है। प्लॉटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो बड़े बड़े बैनर्स को बनाने के काम आते हैं। प्रिंटर्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के प्रिंटर्स होते हैं और किस किस काम आते हैं। फैक्स मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्स मशीन किस तरह से काम करती है। स्पीकर्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीकर किस तरह से काम करते हैं, उनमें किस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है बनाने के लिए। सेकंड यूनिट यानी कि सेकंड चैप्टर नेटवर्क एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स का है, जिसमें हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी डिमांड है, इंटरनेट। इंटरनेट में हम नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है और पर्सनल एरिया नेटवर्क है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट और उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारा हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं और किस काम आते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, मोज़िला है, और उनकी जो पिक्चर्स है वो सामने यहाँ पे भी दी हुई है। ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, नेटस्केप नेविगेटर है, मोज़िला फायरफॉक्स है। उसके बाद हम सर्च इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गूगल है, याहू है, विंग है
और बहुत सारे जो सर्च इंजन हैं वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। ये नीचे जो पिक्चर दी हुई है ये सारे के सारे सर्च इंजन ही हैं। इसके अलावा हम ईमेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपना ईमेल आईडी का जो अकाउंट है वो क्रिएट करते हैं, और किस तरह से मेल्स को सेंड करते हैं, और किस तरह से उनकी कंपोजिंग होती है। थर्ड चैप्टर हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का है, वर्ड प्रोसेसिंग का है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। 9th क्लास में आपने इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। इसमें थोड़ा सा और एडवांस दिया हुआ है, जैसे वर्ड प्रोसेसर की जो डेफिनेशन है वो सेम ही होगी जो 9th में थी, वही आपको मैट्रिक में है। किस तरह से हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं, सेव करते हैं, उनका हम प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू किस तरह से लेते हैं, जैसे हम डॉक्यूमेंट्स में वर्ड आर्ट या क्लिप आर्ट या पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं। पेज सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट किस तरह से यूज करते हैं के बारे में पढ़ेंगे, सिंबल्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, बुलेट्स और बॉर्डर और शेडिंग कैसे इंसर्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है, फाइंड और रिप्लेस कमांड जो है किस काम आती है, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, रोज और कॉलम्स कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल में रोज और कॉलम्स को कैसे डिलीट करते हैं, टेबल में अगर हमने सेल को स्प्लिट करना हो या मर्ज करना हो तो वो कैसे करते हैं, मेल एंड मर्ज कैसे करते हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है हम थर्ड चैप्टर में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट 4th चैप्टर जो है आपका डिजिटल डाटा टेबुलेशन का है, स्प्रेडशीट भी कहते हैं, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इंट्रोडक्शन, इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्प्रेडशीट और वर्कबुक क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, हम किस तरह से वर्कबुक क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, ओपन करते हैं और उसको क्लोज करते हैं, सेल की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, डेट और टाइम किस तरह से इसमें ऐड करते हैं, ऑटो फिल को कैसे यूज करते हैं, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग जो हमने 9th में की हुई थी सेम वैसे ही एडिटिंग और फॉर्मेटिंग है इसमें, किस तरह से फॉन्ट के कलर चेंज करने हैं, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, किस तरह से स्टाइल चेंज करना है, सारी की सारी जो अलाइनमेंट्स होती हैं सेल में वो सारी अलाइनमेंट्स भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे, किस तरह से हम सेल को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, पूरी की पूरी रो और कॉलम्स को हम कैसे डिलीट करते हैं, सेल में कैसे हम फॉर्मूला एंटर करते हैं, सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, इसमें किस 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 तरह के जो फंक्शंस हैं वो हम कैसे यूज करेंगे वो पढ़ेंगे, चार्ट्स कैसे बनाते हैं वो सारा काम इसके अंदर करेंगे। इसके अलावा हम लास्ट में मैक्रोस भी इसके अंदर सीखेंगे कि मैक्रो का क्या काम होता है इसके अंदर। मुझे आशा है कि आप सबको सिलेबस की जो इंट्रोडक्शन है वो पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही हम कल फिर मिलेंगे, तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।